shot. Longest six of the tournament. Definitely. Longest. सबसे लंबा छक्का लगाया है ये. बारह रन होने चाहिए थे. और एक और छक्का. फिर हमारा बॉल फेंक दिया. देखिए हमजा ने सुन ली है. वो चढ़ चढ़ के छक्के लगा रहे. हमजा चढ़ के खेल रहा है. पहली लो स्कोरिंग मैच और शॉट. अनदर सिक्स. कुरैशी 11 अपने पीक पे. इस टूर्नामेंट में किसी भी ओवर में 3 छक्के नहीं आए हैं. बिल्कुल अपने 3 छक्के जड़ दिए हैं आकिब को. कुरैशी 11 शॉट और कैच लिपिड. और ये होना चाहिए. बहुत आला कैच. अच्छा कैच. वेल जज कैच. बाउंड्री से भाग के अंदर आए हैं वो और अच्छा कैच पकड़ा है. क्रिकेट का ये मेला यानी जश्न होगा. चारों पासे नारे यानी अपना टशन होगा. आएगा सामने जो वो सीधा खत्म होगा. बाकी बातें पिच पे क्योंकि ना तुझसे हजम होगा. और बहुत प्यारा शॉट. छक्का छक्का. ये 6 रन. छक्का लगा दिया है. देखेंगे जो वीक लिंक की जिसकी हम बात कर रहे थे ये वो साबित हो रहे हैं. बिल्कुल. और नहीं ये बॉल बुरा नहीं था. बैट्समैन ने अच्छा शॉट उठाया. बैट्समैन के स्लॉट में आएगी. स्लॉट बैट्समैन को भी अच्छा. लेकिन ओसामा जो है पिछले मैच में भी भारी पड़ गए थे. अब भी भारी पड़ गए. ये जो है एक वीक लिंक साबित हो रहा है धोबी स्पोर्ट्स का. और ये कैच कौन करेगा. बॉलर एक किसकी कॉल है. और ये आकिब ने बॉल फ्री हिट. अच्छा कैच पकड़ा आकिब ने लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. फ्री हिट कहां फेंक गए. फ्री हिट पे कैच आकिब. ये जहन से निकल गया था आकिब के. ये फ्री हिट है. और ये एक रन बना लिया शायद. बिल्कुल. दो रन बनाए. आकिब के जहन में नहीं था कि ये फ्री हिट है. शॉट. और ये 6 छक्का हो गया. देखिए ये इसे कहते हैं कमेंटेटर्स कर्स. मैं यहाँ पे यही बात कर रहा था कि स्पिनर को छक्का लगाना आसान नहीं होगा. शॉट ओवर लेंथ कर रहे थे इन्होंने. बहुत प्यारा शॉट और छक्का. बिल्कुल बॉल की लाइन पे आए और बॉल को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर फेंका. जैसे ही मैंने सुदेश की थोड़ी बहुत तारीफ की छक्का पड़ गया. यही क्रिकेट है. इस पिच के ऊपर इससे बड़ा टोटल अभी तक नहीं बना. 58 रन. क्या धोबी स्पोर्ट्स 58 रन तक अचीव कर सकेगी यार. लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कुरैशी 11 ने जो कमबैक किया ना. बिकॉज पिछला मैच वो इतने अनफॉर्चुनेट तरीके से हारे थे सुपर ओवर में. और यहाँ पे जो इन्होंने अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई इन्होंने बता दिया कि भाई हम कोई हल्की टीम नहीं है. हम अगर एक मैच हारे तो अगले मैच में ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे ना कि दुनिया देखेगी. चक्कर हाँ संडे की हो सुबह या फिर संडे की हो शाम. क्रिकेट होगी पहले जानी देखे जाएंगे. और कैच ड्रॉप कर दिया. बहुत मुश्किल कैच था. बहुत मुश्किल. और रन आउट. लेकिन रन आउट. धोबी स्पोर्ट्स ने कसम खाई कि इस बॉल पे आउट जरूर होना है. कैच आउट नहीं हुआ. कैच ड्रॉप किया लेकिन बहुत मुश्किल कैच था. अच्छी एफर्ट थी सैफुल्ला की. लेकिन बहुत मुश्किल होता है बॉलर को अपनी बॉल पे कैच करना. बॉल करा के अपने आप को बैलेंस रखना फिर कैच की तरफ जाना. बात है. समद आउट हुए हैं. आकिब अभी भी विकेट के ऊपर. शॉट. एक और शॉट. जबरदस्त छक्का. क्या लाइन पिक की है. किस लाइन को इसने पिक किया बैट्समैन ने. बहुत आला शॉट. शॉट ऑफ सैफुल्ला को शॉट मारना आपका कॉन्फिडेंट नीचे से आसमान पे लेके चला जाता है. देखिए शॉट ऑफ अ लेंथ बॉल. बहुत शॉट ऑफ द लेंथ. क्रॉस बैटेड सैफुल्ला ने काफी मुश्किल होता है. काफी शॉट ऑफ द लेंथ कर दी थी. जवाब. ये है सैफुल्ला. इसको ये सैफुल्ला को मांग रहे थे. यासिर ये जो आप इतनी बुराइयां कर रहे थे ना सैफुल्ला की ये सीधा आपका जवाब. मैं कह रहा था सैफुल्ला का एग्रेशन देख के समझ गया था. दो बोले वाइड.
तीसरी बॉल पे बोल्ड, व्हाट अ कमबैक बाय सैफुल्ला। 26 बॉल रिमेनिंग, बहुत अच्छा बॉल शॉर्ट ऑफ द लेंथ और एच की अपील कॉट बिहाइंड की और एम्पायर ने आउट दे दिया, कॉट बिहाइंड। हमजा वापस आ गए, हमजा ने अपना सुपर ओवर का दाग मिटाने की भरपूर कोशिश, हमजा ने प्रूफ किया कि क्रिकेट में डब्बा बजा दिया, बॉल कर दिया, डब्बा बजा दिया, जो कि ताहा से बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। प्रॉपर यॉर्कर, बेहतरीन यॉर्कर, ब्लॉक होल के अंदर डब्बा बजाया, बैट्समैन बिल्कुल डिफीट हुए, बॉलर की समझ नहीं आई। ओवरथ्रो सैफुल्ला के पास, बैटिंग के ऊपर बिल्कुल नॉनसेंस रनिंग बिटवीन द विकेट, बिल्कुल नॉनसेंस। जब आप देख रहे हैं पीछे सैफुल्ला ने बैक कर लिया बॉल को, लेकिन फिर भी स्ट्राइकर एंड से बैट्समैन जो है वो दूसरा रन लेने के लिए आए, बहुत प्रेशर में आ गए धोबी स्पोर्ट्स, इनकी 5 विकेटें गिर गई हैं। अभी भी मैच में धोबी स्पोर्ट्स है। शॉट और ये रन आउट होने का खतरा और ये रन आउट, एक और रन आउट। जब तक आप बॉल को नहीं देखेंगे कि किधर जा रही है और आ रही है, रन आउट ही होंगे आप। बिल्कुल पूरी तरीके से कोलैप्स करते हुए नजर आ रही है धोबी स्पोर्ट्स। कुरैशी 11 ने बहुत जबरदस्त प्रेशर मेंटेन किया हुआ है, रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स ले रहे हैं। फुल टॉस बॉल पे, स्लो बॉल पे कंप्लीटली बैट्समैन डिसीव हुए, बिल्कुल नहीं समझ पाए और फुल टॉस बॉल पे बोल्ड हो जाना। धोबी 11 की एक विकेट और डाउन, फुल टॉस और एम्पायर का एक और रन आउट। वही 8वीं विकेट डाउन धोबी स्पोर्ट्स की, वही बॉल को नहीं देखा और सिर्फ भाग गए। और अब जो है लतीफ सिंगल डबल से मैच निकल चुका है। नहीं, मैच तो इनकी गिरफ्त से कई दूर जा, काफी दूर जा चुका है। मेरा नहीं ख्याल धोबी स्पोर्ट्स अब कमबैक कर सकती है। सिंगल डबल से लेकिन कुछ अफाका नहीं होने वाला। और ये एम्पायर का देखना होगा, लेफ्ट कर दिया था, एक और सिंगल आउट का इशारा, आधी से ज्यादा टीम रन आउट, नो आउट ऑफ नॉनसेंस रनिंग बिटवीन द विकेट्स। लास्ट विकेट धोबी स्पोर्ट्स की तरफ से, आखिरी उम्मीद। आपस में भी थोड़ी डिसएग्रीमेंट थे कि कौन दो ओवर करेगा, कौन एक ओवर करेगा, क्या सैफुल्ला का दूसरा ओवर मिलेगा, लेकिन इन सारे इख्तलाफात के बावजूद कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से 24 रन से जीत अपने नाम की। डब्बा बजा लड़के इनके छक्के छुड़ा।